साल हो गए मुझे जंगल में नौकरी करते हुए बिना अपॉइंटमेंट के, कोई मुझे पैसा भी नहीं देता। पैसा लूं भी तो किससे, सबके सब जानवर यहाँ पे बड़े बड़े। कल मैंने उल्लू से पैसे मांगे, मेरे को कहता है रात को आया ना तेरे को चेक काट के दे दूंगा। मैंने कहा बैंक तो सुबह खुलते हैं, कहता लेकिन मुझे तो रात में दिखता है। गधे से पैसे मांगे, गधा उल्लू के पीछे छुप गया। मैं कहा बेवकूफ साफ दिख रहा है तू, कहते तभी तो लोग मुझे गधा कहते हैं। मैं वैसे इस जंगल में काम नहीं करना चाहता, मैं गाइड हूँ प्लस मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। जब तनख्वाह नहीं देनी जो मर्जी बनो, आपको क्या है। मेरे पिताजी की जगह मुझे नौकरी मिली है, उन्होंने वन विभाग के गलती से 160 तोते उड़ा दिए थे। दो तोते मिल गए, 158 मिल नहीं रहे। वो जब तक नहीं मिलते मुझे उनकी जगह नौकरी करनी पड़ेगी। तोते भी उन्होंने जानबूझ के नहीं उड़ाए, कोई जानबूझ के थोड़ी उड़ाता अपने तोते। वो उन्होंने कोबरा देख लिया था, कोबरा, कोबरे को देख के उनके सारे तोते उड़ गए। लेकिन जब तक सारे तोते नहीं मिल जाते मुझे नौकरी। मैं एक्चुअली यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट आए घूमने, उनको घुमाने लाया था, लेकिन मैं खुद घूम गया हूँ। मेरे साथ एक लड़की भी घूम गई, पता नहीं कहाँ गई है, इस टेंट में ना हो गई। सोहेल भाई, सोहेल भाई, सोहेल भाई, सोहेल भाई, ये क्या, ये बेवकूफ, इसने उसे जंगल में गुम कर दिया। अरे बेवकूफ वाली, जंगल में गुम कर दिया। घबराओ मत, जल्दी ही रास्ता मिल जाएगा हमें, चलती रहो। सुबह से तो मिला नहीं, अब क्या टार्जन आएगा रास्ता दिखा दे। टार्जन क्यों आएगा, तुम्हें एक रास्ता बताने क्यों आएगा, वो अपनी जजमेंट करेगा तुम्हें रास्ता बताए। तुम लगे रहो अपने पास बेवकूफ औरत। सुबह के 2 बज रहे, तुम मुझे घर कब पहुंचाओगे। घर को छोड़ो, पहले अपने बैग में से बेसन निकालो और अपनी बाजू पे निकालो, चलो। क्यों, शेर के आने का टाइम हो गया है, वो लेडीज पकौड़े बड़े खाना पसंद करता है। शेर सच में आ गया तो हम क्या करेंगे। हम क्या करेंगे, जो करेगा शेर करेगा, हम क्या कर सकते हैं। हम पेड़ पे चढ़ जाएंगे। पेड़ पे चढ़ जाएंगे। हाँ पेड़ पे चढ़ जाएंगे। पेड़ पे कैसे चढ़ेंगे। अरे तुम ही तो कह रही हो तुम्हें पेड़ पे चढ़ना आता है। वो पेड़ आता है चढ़ना, लेकिन पेड़ कट के गिरा हो तभी तो ऐसे ऊपर थोड़ी चढ़ सकता हूँ। ओह माय गॉड, वो देखो सांप निकला वहां से। कौन सांप, कौन सांप। अरे मुझे मुझे सांप नहीं दिखाई दिया। नहीं दिखाई दिया। नहीं तो मेरी पेंट वेट क्यों हो गई, मेरे को मेरे को क्यों लगा। बंदूक पकड़ा हुआ, डरते हो तुम। ये बंदूक नहीं है ये। तो ऐसे पकड़ो, ये लाइटर है। टूरिस्ट आते ना बाहर से, टूरिस्ट, गोरे टूरिस्ट, अंग्रेज टूरिस्ट, और सिगरेट भी थे, इसलिए मैंने रखी हुई है लाइटर बंदूक। और ये छोटा वाला बंदूक, ये बंदूक नहीं है, इसमें मैंने चिल्लर रखे रुपए रुपए के सिक्के। कोई जानवर हमला करता ना, सिक्का इधर फेंको, पैसे का लालच किसको नहीं है, जानवर उधर जाएगा आप भाग जाओ। निकले ना तुम डरपोक के, डरपोक। ए डरपोक नहीं हूं मैं। तो एक बार मेरा शेर से सामना हो गया था। फिर शेर मेरे सामने, मैं शेर के सामने, एक सेकंड में बाद में पता नहीं मेरी आंख खुली, मैं आईसीयू में था। मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब शेर का क्या हुआ, कहते कौन सा शेर, वो तो किसी का कारपेट पड़ा हुआ था यूं करके, तू डर के बेहोश हो गया। कितनी बकवास करते हो तुम। ये बकवास नहीं करता मैं, एक बार तो मेरा असली शेर से भी सामना हो गया था। वो भी मरा हुआ मिला होगा। मरा हुआ नहीं, जिंदा शेर था वो। शेर मेरे सामने, मैं शेर के सामने, मैं अभी मारने वाला था उसको। मेरे को एड याद आ गई, दूरदर्शन पे आती ना, सेव टाइगर्स, शेर बचाओ। मैंने भी सोचा यार, मैंने कहा शेर हमें कौन सा कुछ कहते हैं, अपने शिकार करते हैं, खरगोश मारा, हिरण मारा, खा के चले जाते हैं, हमें कौन सा कुछ कहते हैं। जिस दिन हमें कुछ कहेंगे हम भी मर जाएंगे। माय गॉड, आवाज सुनी कहाँ, आसपास कुछ है। ओ माय गॉड, गैंडे की आवाज है, गैंडे की आवाज। मुझे छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ा हुआ है। नहीं नहीं, वो गैंडे की आवाज सुन के मेरी हग निकल जाती है। देखो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्यों? She's laughing. Stop laughing, Shimona. क्या कर बोल, अपना रात के एक बजे अपनी हंस रही है, लोगों को हंसाना है वो कर काम, खुद ही हंसी जा रही, इसको उठा पहले। अरे कुत्ता, ये तेरे को पता नहीं शेर वाला पंच काट दिया था, तू क्यों बीच में कुत्ता खींच रहा है। साले साले राइटर बने फिरते, पता ही नहीं ये हट गया पोर्शन, हटा इसको यहाँ से, पहले नहीं स्क्रिप्ट बन रही लंबी कर रहे हो क्या है। देखो हमें जल्दी जल्दी निकलना होगा, बहुत अंधेरा हो रहा है। अंधेरा होने दो, मैं तो कहता हूँ हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, हमें अंधेरे में ज्यादा दिखाई देता है। नहीं तो आप सोचो बिना बिजली पानी के 150 करोड़ की आबादी कैसे हो गई हमारी, हम लोगों को ऐसे ही दिखता है। एक काम कर तू भाग के जा, वो पत्थर लेके आ भाग के, एक पत्थर पड़ा हुआ ना मोटा सा, पत्थर लेके आग जलाते हैं, नहीं तो सांप आ जाएंगे। अरे लेकिन एक पत्थर से कैसे आग जलेगी, तेरा दिमाग खराब है, एक पत्थर से क्या, दो पत्थर से भी नहीं जलती, वो तो हमारे बुजुर्ग बेवकूफ बनाते हैं हमें, दो पत्थर छिड़को तो आग जलती है। पत्थर ले गया, वो सामने झोपड़ा देख रही है बुढ़िया का, वहां पे बुढ़िया रहती है, उसको पत्थर मार के उसकी माचिस छीनेंगे फिर आग जलेगी।
अरे लेकिन आग जलाने के पहले लकड़ी तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना। लकड़ी क्या करनी है, मेरे को तो बीड़ी जलानी है, मेरे को क्या। अबे बीड़ी से कैसे सांप भागेगा? ये क्या बात करती है तू, बीड़ी से सांप नहीं भागेगा। एक बार मैंने जलती हुई बीड़ी शेर के यहाँ पे लगा दी, शेर भाग गया था, सांप की क्या। और मैं बीड़ी को पीने के लिए थोड़ी ना जला रहा हूँ, सांप जब इधर आता ना वो बीड़ी पीने के लिए आता है, पहले से लगा के रखेंगे दे देंगे। तुम जाती ना मेरी पहुंच कहाँ तक है? कहाँ तक तेरी पहुंच है? तेरे किचन में से अचार तो तेरे से निकलता नहीं है, ईंट के ऊपर तू स्टूल लगा के चढ़ती, कहाँ तक है तेरी पहुंच है? चल बढ़िया है तू बातें करती, अब जल्दी निकल कहीं शेर ना आ जाए। हाँ, सुबह तो बड़ी बड़े बड़े डींगे मार रहे थे, मुझे शेर से डर नहीं लगता। सुबह की बात और है, रात को सब दारू पी के घूमते, कौन बहस करे। तुमसे भी ये बकवास कर सकते हो क्या? मुझे तो लगता है तुम और तुम्हारा खानदान सबके सब डरपोक है। किसने बताया तुम्हें? तुम्हें पता है मेरे दादाजी कितने बहादुर आदमी थे? तेंदुए से आमना सामना हो गया था उनका, तेंदुआ दो कदम आगे, मेरे दादाजी चार कदम पीछे। तेंदुआ चार कदम आगे, मेरे दादाजी 200 कदम पीछे। पीछे खाई में गिर गए, मर गए। तो इसमें कौन सी बहादुरी हुई? बहादुरी क्या बहादुरी, तेंदुआ खुद आया मेरे पास चल के, कहता दादाजी का पैर ना फिसलता, आज मेरी खैरियत नहीं थी, ऐसा बोला उसने। झूठ। काहे का झूठ? झूठ। मैं अर्चना जी से कन्फर्म करवा देता, लेकिन ये वहां पे थी नहीं। ये तो कुछ भी नहीं, मेरे जो दादाजी के भाई थे ना, मेरे पिताजी के चाचा जी, वो तो बड़े ही गंदे आदमी थे, मतलब बहादुर आदमी थे, इतने बहादुर, उनका तो तेंदुए से हाथापाई हो गई पता। तेंदुए ने एक पंजा मारा, चाचा जी से हाथ नहीं उठा। फिर तेंदुए ने दो मारे, चाचा जी फिर पीछे। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक मिनट में चाचा जी को इतना गुस्सा, इतना गुस्सा कि डेढ़ मिनट के अंदर अंदर तेंदुए के पेट में। इतनी जल्दी मर गए मेरे चाचा जी, दादाजी दादाजी के भाई चाचा जी। मरते हुए दो लफ्ज नहीं निकले उनके मुंह से, जाते जाते दो ही बातें कही उन्होंने, कहते दूध को उबाल लेना, अखबार वाले को पैसे मत देना, मैंने दे दिए, बस यही हुआ। तो बेसिकली तुम्हारे खानदान में आज तक कोई लड़ाई नहीं जीता है? क्या बात कर रही हो, हम लोग पता कितने गुस्से वाले खानदान से, मेरे को तो पहले इतना गुस्सा आया था ना, अब मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। मैंने कहा क्या फायदा गुस्सा करके, जरूर लोगों से मार खानी, चुप रहो। मेरे परदादा जी को बड़ा गुस्सा आता था, इतने गुस्से वाले आदमी थे ना वो, एक बार मोहल्ले में उनको किसी ने ऐसे जरा सा ऐसे धक्का लगा दिया, ऐसे जरा सा, इतना गुस्सा आया उनको, घर पे आके सारे गमले तोड़ दिए उन्होंने, इतने गुस्से वाले थे। भगवान, किस बेवकूफ के साथ अटका दिया है आपने, ओ माय गॉड। तुम तो कहते हो तुम जंगल का कोना कोना जानते हो, कोना कोना जानते हो, क्या हुआ उसका? कोना कोना जानता हूँ, लेकिन अभी हम मेन रास्ते से जा रहे हैं, मेरे को कोने में लेके जाओ, तुम बता दूंगा मैं। तुम बेवकूफ पागल गई के। ए पागल किसको बोला तूने? तेरे को पता मैं कितना फेमस गाइड हूँ, राजू गाइड एंड फॉरेस्ट ऑफिसर। इधर ये सुबह अखबार में आया, देख इधर मेरे बारे में सुबह ही लिखा है, आज ही छपा है अखबार में, क्या लिखा है, कहते बड़े मशहूर गाइड राजू और फॉरेस्ट अफसर को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, ये अफवाह फैलाने वाले को पुलिस ने शरेआम गोलियों से भुना। ये देखो नीचे गिन, तो ये नीचे वाला तुम्हारा है, इसका क्यों लिखा है? मैंने बोला है एक हट्टा खट्टा तीस वर्षीय नौजवान 24 जून को पागल खाने से फरार, उसका पता बताने वाला अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। क्यों कैर सिंह जिंदाबाद? प्लीज आप नंबर दे दो, इस जंगल से मैं भागू, प्लीज नंबर दे दो जल्दी से। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, बकवास बंद करो। और ये सही, ये मिमिक्री हर चीज में घुसाने क्या जरूरत है, मैं दरवाजे में गई, दरवाजा खुला, ये किया, मैं तो कहता शुक्र है पूरे सीन में टॉयलेट का सीन नहीं, तो ये भी करके दिखाती है। हो गया दामिनी, आगे बताओ। फिर मैं अपने बेडरूम में गई, मैंने दरवाजा खोला, तो देखा सामने बेडरूम पे, मेरे बेडरूम में मेरा खुद का पति सोया हुआ था। जिसकी इसको आदत नहीं है, ये जाके बगल में लेट गई, इसने डकार मारा और पति वाज व्हाटएवर डेड। आप कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं, डकार मारने से कोई मरता है? तो इसने कौन सा मुंह से मारा था? आई ऑब्जेक्ट। आई ऑब्जेक्ट नहीं कहो, आई एम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी तुमसे ज्यादा बोलते हैं। दरवाजे की आवाज निकाल के बताओ, ये देखो ऑब्जेक्ट भी बोल रहे हैं। देखिए हम केस के बारे में बात कर रहे हैं, दामिनी कोर्ट को बताओ क्या तुम्हारे पति नशा क्या करते थे? और क्या, या अफीम का ढेर उसने ऐसे रखा हुआ था, नशे के चक्कर में तो शादी करके लाया इसको। देखिए मैं दामिनी से बात कर रही हूँ, आप चुप रहिए। ओके दामिनी कोर्ट को बताओ क्या तुम्हारा पति नशा करता था?
बहुत नशा करता था वो, इसकी उसकी सबकी विस्की पी के पड़ा रहता था वो। तो वो क्या करता मिलोर्ड, जिसको रम जैसी पत्ती मिली हो वो आदमी तो विस्की पिएगा। इंस्पेक्टर साहब मैं आपको बता दूं, कलर पे बोलना जुर्म है। तो तू जैसे बोले, तेरा तो सोनी में बोलना भी जुर्म है। अगर हम केस के बारे में बात करेंगे तो बेहतर होगा। मिलोर्ड, मेरी क्लाइंट बेकसूर है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.